हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने चैनल के नए कलाकारों से और अपने सभी पेट्स से, जो कि ये देखिए, यहां आप लोग इस नए बेटा फिश को देख सकते हैं। और ये एक्चुअली हुआ क्या कि एक मेरा फ्रेंड है जिसको मेरी वाली बेटा फिश काफ़ी पसंद थी और काफ़ी दिन से वो बोल रहा था, और क्योंकि उसके पास प्लांटेड का सेटअप था और ये वाली बेटा फिश थी थोड़ी अग्रेसिव है, इसने उसकी कई छोटी छोटी श्रिम्प्स को, कई मछलियों को खा लिया। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ना एक्सचेंज कर लें, और वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था तो इसलिए मैंने एक्सचेंज कर लिया और ये वाला लेकर आया हूँ। ये उसके मुकाबले तो काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा है और अभी ज़्यादा एज भी नहीं है इसकी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, ये पूरा टैंक ग्लो फिशेस का बन गया है, यानी कि इसमें ग्लो टेट्रा है और ग्लो विडो है, ग्लो टेट्रा और डेनियस ग्लो में। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी कलर है। तो अभी ग्लो टेट्रा जो है यहाँ पे, ये जिनको हम ब्लैक विडो टेट्रा बोलते हैं, जब इन पर ब्लैक स्ट्राइप होती है और वाइट कलर होता है, इनमें कई कलर आते हैं। ये ऑरेंज हो गया, एक आता है रेड में भी आता है, और येलो है, ग्रीन है, वाइट में आता है और ब्लैक में भी आता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतनी सारी वेराइटीज़ अपने इंडिया में नहीं है। ब्लू कलर में भी आता है और कई सारे कलर हैं। इनके पीछे काफ़ी गजब की और काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी प्रोसेस है कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी केयर कैसे की जाती है, कैसे ब्रीड किया जाता है और काफ़ी कुछ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी और भी मछलियाँ हैं यहाँ पे, दो ये पेयर हैं दोनों, ब्लैक स्विंग टेट्रा और रेड आइस टेट्रा। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ही मैं इस बार पेयर लेकर आया हूँ। और ये नन्ही मुन्नी को भी देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल ये छोटे हैं, इनका साइज़ काफ़ी अच्छा जाएगा और इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही है। आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये सब के सब हेल्दी हैं, बस ऐसे ही हेल्दी बने रहें और चैनल पे हमारा नाम रोशन करते रहें। और यहाँ इस बेटा फिश को देख सकते हैं, मेरी पहली वाली बेटा फिश के मुकाबले बहुत गजब है। और जब वो मुझे कह रहा था कि मेरी वाली बेटा फिश से एक्सचेंज कर लो, तो मैं मान नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने इसको देखा और फिर उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि उस वाले बेटा फिश में थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि वो निकलता नहीं था ज़्यादातर। यहाँ पे जो केव मैंने लगाया था वो ज़्यादातर इसी के अंदर सोता था। तो अभी फ़िलहाल उसको, क्योंकि वहाँ प्लांटेड का सेटअप मिला हुआ है, तो वहाँ से सुकून में सो रहा है। और यहाँ मेरे पास ये वाला बेटा फिश है और ये काफ़ी ज़बरदस्त है। इन बाकी मछलियों को देख के ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कभी कभी रहता है, और इसको मैं और भी अग्रेसिव बनाता हूँ। इसके पीछे भी एक ट्रिक है और उसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो लाऊँगा मैं, इसके पूरी इसकी फीड के ऊपर, इसके सेटअप के ऊपर। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे सेटअप भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं रेत है, और एक यहाँ जंगल वॉल लगाई हुई है, अभी ये ग्रो कर ही रही है। यहाँ एक और जंगल वॉल है और फिल्टर है, तो फिल्टर को मैंने भी स्लो करके चलाया हुआ है ताकि अच्छे से तैर सके। और अब हम आते हैं दूसरी ओर, ये देखिए मैं लेकर आया हूँ ज़ेब्रा फिंचेस, और ये कैच का केज का सेटअप इनके लिए काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी ठीक ठाक है फिलहाल ब्रीडिंग के पर्पज़ से, या फिर अगर हम सिर्फ पेयर रखते हैं तो उसके पर्पज़ से काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे सेटअप है इनका। और ये 15 इंच वाला इनका केज है ये, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे मैंने बॉक्स भी लगाया हुआ जिसके अंदर ये रात में जाके सो जाती है। यहाँ पे झूला है और एक डंडी है, यहाँ पे इनका फीड डाला हुआ है, पूरा प्रॉपर सेटअप है। और यहाँ ये देखिए, ये जो आप इसको शायद बीकर कहते हैं या फिर अगर हम शीशे की प्लेट कह सकें, इसमें मैं पानी भर देता हूँ और ये लोग जाके नहाते हैं। और यहाँ देखिए मेल फीमेल मेरे पास है, तो आप कुछ ही दिनों में इनकी ब्रीडिंग, इनकी केयर और धीरे धीरे इनके ऊपर भी वीडियो आएंगी। और दूसरी ओर हम चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा ब्लू चोंच वाला ये बजी पैरेट जो कि अकेला था, और आप लोगों ने देखा होगा वो इस वाले केज में था, काफ़ी टाइम इस वाले केज में था वो। तो अब क्योंकि उसके लिए फीमेल मिल गई थी, तो पूरी प्रॉपर बढ़िया एकदम हेल्दी फीमेल लेकर आए हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जब इसको मैं लेकर आया तो लाते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसकी पूंछ केज में ही कहीं कोने पे फंस के टूट गई थी। और लेकिन वैसा कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं एंड पॉइंट जो है पूंछ का, यानी कि यहाँ इस मेल का एंड पॉइंट देख सकते हैं जो ग्रीन के बाद एंड होते ही ब्लैक है, यहाँ फीमेल के पास भी वो है, यानी कि ये जो टेल है इसकी ये बिल्कुल नेचुरल है, ये उग आएगी दोबारा से, तो इसका झड़ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो बाय चांस आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो कि आपके पैरेट की टेल झड़ जाती है या गिर गई है, बाय चांस लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट जाती है, तो इससे उसकी क्वालिटी पे या किसी चीज़ पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता, हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ दोबारा उग जाती है। तो उसके लिए प्रॉपर फीड डालें, जैसे कि यहाँ पर देखिए
और ये केज आप लोग देख ही रहे हैं, ये कौन सा वाला केज है, ये वो केज है जिसमें बक्स और कोको थे, उनकी पूरी फैमिली थी। और काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये सोचना कि हम इसमें रखें कि ना रखें, कैसे सेटअप करें, खाना डालें क्या ना करें, क्योंकि ये केज का सेटअप आप लोगों ने देखा ही था। और वो पीछे देखिए एक जो ब्लू गेट है, बस वही एक गेट था खाना डालने निकालने का, पेट को रखने का और उसको अंदर बाहर करने का। और फिर उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन मेरे पास ये जाल पड़ा हुआ था, ये लोग आप लोग देख सकते हैं ये वाला जाल, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो नेट था उस जाली को मैंने यहाँ पे काटा और इसका एक प्रॉपर गेट बनाया जो कि मैच करता है बिल्कुल उस सेटअप की तरह जिसमें गिनी पिग्स थे मेरे। और अब गिनी पिग की बात कर दी है तो चलते हैं उनकी ओर। तो ये देखिए अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 गिनी पिग रह गए हैं, तो क्योंकि मेरे पास पहले 16 गिनी पिग थे टोटल, 16 गिनी पिग्स जो कि मैंने सेल पे लगाए थे, आप लोगों ने देखा भी था। और क्योंकि मुझे ज़्यादा गिनी पिग नहीं चाहिए थे, मेरी फेवरेट गिनी पिग ये ब्राउनी यहाँ पे है और उसकी बेटी जिसका नाम मैंने गूगल, एक मिनट रुकिए, इसके पैरों में क्या हो गया, ये देखिए घास फंस गई थी, इसका नाम मैंने गूगल रखा था। और ये दोनों आप लोगों को याद होंगी, ये ब्राउनी की ही बेटियाँ हैं दोनों की दोनों, और दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। और इन दोनों को रोकने की वजह सिर्फ ये थी कि ये दोनों बच्चे देने वाली हैं और इसके पीछे और कोई भी रीज़न नहीं था। तो क्योंकि अब इन लोगों के बच्चे फील होने लगे हैं, यानी कि ये कुछ ही दिनों में डिलीवरी दे सकती हैं, और प्रॉपर आप लोगों ने मेरी अगर वीडियोस देखी होंगी तो अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि ये कौन से हफ्ते में चल रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। लेकिन इनके ऊपर भी अपडेट वीडियो आएंगी, और उम्मीद ये है कि शायद इन लोगों के बच्चों से कुछ बढ़िया पैटर्न ढंग का कलर निकले। और देखिए फिलहाल ये लड़ इसलिए रही हैं क्योंकि ब्राउनी इन लोगों के साथ बहुत कम रही है, और ब्राउनी को अभी भी लग रहा है कि ये लोग दूध पी सकती हैं, क्योंकि गॉगल अभी भी कभी कभी जब इसके पास जाती है तो ब्राउनी को ये लगता है कि ये दूध पीने के लिए आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम इनको आराम करने देते हैं और चलते हैं अपने दूसरे दोस्तों की ओर। ये देखिए कोको और कोको की बच्ची, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोको के बाकी बच्चे सेल हो गए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, यूट्यूब पर भी कमेंट आने लगा था, इंस्टाग्राम पर भी लोग पूछ रहे थे, और कई लोगों ने कॉल भी किया कि हमें कोको की जैसी जो बच्ची दिखती है हमें वो चाहिए। तो अभी देखिए कोको तो बाहर निकल गई, तो वो चाहिए। और देखिए कोको की बच्ची को तो खैर मैं नहीं बेच सकता, लेकिन बाकी जो थे उनके लिए जितने भी कॉल आ रहे थे तो अच्छा खासा प्राइस मिला, अच्छे खासे लोग थे, मैंने पूरा उनसे बात की प्रॉपर। तो उसके बाद जब हमने सेल किया तो जो जो जहाँ जहाँ गए हैं सब अच्छे खासे घर में गए हैं। और फिर उसके बाद अब हमारे पास एक और नया मेहमान आने वाला है, तो अब फिलहाल यहाँ पे जगह खाली है तो सोच रहे हैं यहाँ पे क्यों ना सेटअप करें। तो अब यहाँ पे इसका सेटअप किया जाएगा और फिर उसके बाद मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।